अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क़यामत की मज़ीद के वो 10 निशाने के मुतालिक इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम जो वो मैं आपको बताता हूँ कि क़यामत की मज़ीद 10 निशानियाँ कौन सी हैं। कि शरी सज़ाओं का निफास रुक जाएगा, यानी कि जो शरी सज़ा है, चोरी की है उसने उसका हाथ कट जाए, ठीक है। इसी तरह जो वो जिसने जो वो कत्ल गारत की है तो उसको सज़ाए मौत होगी, ठीक है, सर कर्म किया जाएगा। तो वो जो शरी सज़ा है तो उसका जो है वो निफास रुक जाएगा। आजकल आप देख लें, जिसका जो जी चाहता है तोहमत लगा रहा होता है, वो जो इल्ज़ाम लगा रहा होता है, ठीक है, लेकिन क्या शरी सज़ा नहीं है। आमतौर पर कानूनी तौर पर होता है कि वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और आमतौर पर ये होता नहीं है, लेकिन शरी सज़ा वगैरह रुक गया है। इसी तरह जो है वो बांदी अपने आका को जनेगी, और लोग नंगे पाँव रिया बदन गैर मुअज़्ज़ब थे वो हुक्मरान बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो लोग जो वो नंगे पाँव भी थे ना दो पहले, वो लोगों के हुक्मरान बन जाएंगे। औरत तिजारत में मर्द के साथ शरीक होगी। आज आप देख लें, शाना बशाना खड़ी होना और ये सारी चीज़ें जो नारे लगते हैं कि हम जो वो मर्दों के शाना बशाना है, शाना बशाना साथ चलते हैं, तो ये देख लें आप क़यामत की निशानी है। यानी कि तिजारत में लोगों के मर्दों के साथ चलेंगे। अच्छा, मर्द जो है वो औरतों के नकाली करेंगे। आज आप देख लें, औरत मर्द की मर्द औरत की तरफ बनने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि ये जो है वो हराम है। मुशाबहत इख्तियार करना ये हराम है, ठीक है। तो औरतें जो है वो मर्द जो है वो औरतों की नकाली करेंगे, इसी तरह औरतें जो है वो मर्दों की नकाली करेंगी, जो कि हदीस पाक में मना किया गया और ये हराम है, गुनाह है। मर्द जो है वो औरत का लिबास नहीं पहन सकता, औरत मर्द की नकल नहीं कर सकती, उसका लिबास नहीं पहन सकता, ठीक है। गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, तो ये चीज़ें भी हैं। इसी तरह मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन मुसलमान भी जो है वो झूठी गवाही देने लग जाएंगे। इसी तरह सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम किया जाएगा, और ये आज तो आम हो चुका है। यकीनन गुनाह नहीं है, सलाम वगैरह का सलाम करना सुन्नत है, ठीक है, लेकिन क़यामत की निशानी है कि भाई जो जो जान पहचान वाले होंगे उन्हीं को सलाम किया जाएगा, अदरवाइज उनको हटा दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, दीन का इल्म गैर दीन के लिए पढ़ा जाएगा। इसी तरह आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी, यानी कि जो आखिरत काम हो तो दीनी काम उससे जो है वो दुनिया कमाई जाएगी, और ये आमतौर पर कॉमन है। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो क़यामत के 10 निशानों के मुताबिक नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगा।